हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये मेन पार्ट बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इट इज़ बैकबोन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे फिर उसमें वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो या एटॉमिक इमिशन हो या फिर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। एटोमाइजेशन होता क्या है एक्चुअली? एटोमाइजेशन का मतलब रहता है कि जो भी हम सैंपल का एनालिसिस करते हैं उस सैंपल को डिस्क्रीट एटम्स में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? डिस्क्रीट एटम्स में, इसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन। सो कन्वर्जन ऑफ सैंपल इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स या डिस्क्रीट एटम्स, उसको बोलते हैं हम एटोमाइजेशन, यानी इन एटम्स को अलग अलग कर देना। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करते एटम्स में, यहाँ पे हम सैंपल को एटम्स में कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद में इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये सब किया जाता है उनको हम कहते हैं एटोमाइजर्स, क्या कहते हैं? एटोमाइजर्स। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये एटोमाइजेशन कैसे होती है? देखो, एटोमाइजेशन में जो हम सैंपल लेते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जनरली हम सैंपल उसमें लेते हैं लिक्विड स्टेट में, यानी हम सैंपल का सोल्यूशन बनाते हैं जिसको कहते हैं सैंपल प्रिपरेशन। क्या कहते हैं इसको? सैंपल प्रिपरेशन। यानी अगर हमें किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का एनालिसिस करना हो, हम डायरेक्ट ऐसे उठा के उसका एनालिसिस नहीं करते, बल्कि पहले उसका सैंपल तैयार करते हैं किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, यानी डाइल्यूशन वगैरह करते हैं उसको, या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो डिजोल्व करने के बाद में क्या करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो वाटर में डिजोल्व होता है, अगर हमें सोडियम का एनालिसिस करना हो तो। फिर डिजोल्व करने के बाद में क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मिल जाए या किसी रेंज की कंसंट्रेशन मिल जाए। अब बाद में ये जो सैंपल प्रिपरेशन के बाद में जो सैंपल तैयार हो गया, सैंपल, इस सैंपल को हम एटम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये थ्री स्टेप्स में होता है। क्या होता है? थ्री स्टेप्स में, यानी सैंपल एटोमाइजेशन जो है, एटोमाइजेशन ये कितने स्टेप्स में होता है? थ्री स्टेप्स। ये तीन स्टेप में आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो, पहले क्या होता है, पहले होता है जो आपका सैंपल है अगर वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्वड है तो पहले आपको करना है डिसॉल्वेशन। और एटमाइजर जो रहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम एटमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये हो जाता है, जैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, डिसॉल्वेशन होता है। उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये जो सैंपल है ये वोलाटालाइज होता है, वोलाटाइलाइजेशन, यानी हम इसको वोलाटाइल बना देते हैं सैंपल को। अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो हम इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वोलाटाइल कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा जो स्टेप रहता है उसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन। क्या कहते हैं? एटोमाइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ दिस सैंपल इनटू एटम्स। समझ में आया? अब ये जो एटोमाइजेशन होता है, एटोमाइजेशन मैंने आपसे कहा कि ये किस में होता है, ये एटमाइज़र में होता है, एटमाइज़र लगाते हैं इसके लिए। अब ये जो एटमाइज़र रहते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के, मैं लिखूंगा यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एटमाइज़र्स। कौन कौन सा? एक जो रहता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एटमाइजर, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट
या आप कह सकते हैं उसको डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट, यानी जो फ्रैक्शंस में एटमाइज करता है। अब कंटिन्यूस में क्या होता है और डिसकंटिन्यूस में क्या होता है या डिस्क्रीट में क्या होता है। कंटिन्यूस में हम सैंपल कंटिन्यूसली फीड करते हैं, सैंपल जो है वो सैंपल कंटिन्यूसली फीड होता है, ठीक। ये सैंपल आते रहता है और एटम्स बनते रहते हैं। लेकिन डिस्क्रीट में क्या करते हैं हम सैंपल एक पर्टिकुलर सैंपल होल्डर में या सैंपल चेंबर में इंजेक्ट कर देते हैं एक फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्रैक्शन ऑफ, मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। इस फ्रैक्शन को हम एटमाइज करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली एटमाइज नहीं होता। यानी यहाँ पे तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सैंपल आते रहता है और एटमाइज होते रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम एक फ्रैक्शन लेते हैं सैंपल का, उसको पहले एटमाइज करते हैं फिर दूसरा फ्रैक्शन ले सकते हैं। यानी ये कंटिन्यूस नहीं है, ये वाला डिसकंटिन्यूस है। अब ये जो कंटिन्यूस एटमाइजेशन है या फिर डिस्क्रीट एटमाइजेशन है, ये इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ ये कंटिन्यूस एटमाइजेशन है, यानी और ये जिस एटमाइजर से होगा उसको मैं बोलूँगा ये कंटिन्यूस एटमाइजर है। ये डिस्क्रीट एटमाइजेशन है, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से होगा उसको मैं बोलूँगा ये डिस्क्रीट एटमाइजर है। अब कंटिन्यूस एटमाइजर का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो मोस्ट जनरल एग्जांपल है। एग्जांपल जैसे फ्लेम एटमाइजर है, फ्लेम एटमाइजर एटमाइजर्स, ये इसकी एग्जांपल है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, जैसे इलेक्ट्रो थर्मल एटमाइजर्स, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है और ये इसकी एग्जांपल है। तो ये अलग अलग एटमाइजर्स हैं। ये जो एटमाइजर्स है ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी डिटेल में, ठीक है। तो अभी तक इतना ही।